नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज की जानकारी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय मित्रों, आज की जानकारी आपके जीवन को बदल के रख देगी। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपके घर में बार बार मेंढक आता है तो इसका क्या संकेत होता है। मेंढक का बार बार घर में आने से कौन से संकेत मिलते हैं, क्या नुकसान होते हैं और इसके क्या लाभ होते हैं। प्रिय दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मेंढक का बार बार घर में आना एक बहुत बड़ा संकेत होता है। दोस्तों, इस बात का कई लोगों को मालूम तक नहीं होता और वो लोग अनजाने में जीते रहते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। कई लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और दोस्तों, कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। प्रिय दर्शक मित्रों, हम जो भी जानकारी बताते हैं पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित जानकारी बताते हैं, इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। प्रिय दर्शक मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो और बताते हैं आपको कि मेंढक का बार बार घर में आना क्या संकेत लेकर आता है। प्रिय दर्शक मित्रों, आपके आने वाले जीवन के लिए कुछ विशेष संकेत मिलते हैं। दोस्तों, ऐसे जीवों में से एक मेंढक होता है। घर में इसका आगमन से बहुत बड़े बड़े संकेत होता है। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे घरों के आसपास कई बार ऐसे संकेत मिलते हैं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कई बार घर में किसी भी जीव का आना आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है, तो कभी इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। प्रिय दोस्तों, वैसे तो मेंढक बारिश के मौसम में दिखाई देता है, लेकिन कभी भी अगर ये आपके घर में बेमौसम आ जाए तो इससे जुड़े कुछ संकेत मिलते हैं जो आपके जीवन में बहुत ही बड़े बड़े प्रभाव डालता है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब मेंढक आपके घर में आ जाए तो समझे कि जीवन में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। हो सकता है आपकी नौकरी को बड़ा बदलाव हो, आपको धन से जुड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे बदलाव जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, वैसे तो मेंढक को अक्सर एक रहस्यमय जीव के रूप में देखा जाता है। कई संस्कृतियों के लिए उनके आध्यात्मिक अर्थ होते हैं जो आपके जीवन में प्रभाव ला सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपके घर के अंदर मेंढक की उपस्थिति अपने साथ विशेष संदेश और अर्थ ला सकती है। प्रिय दर्शक मित्रों, इसे अक्सर सौभाग्य और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यदि आपके घर में अचानक मेंढक का आगमन हो जाए तो समझे कि आपके घर में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आपको नई नौकरी या फिर नए रिश्ते के संकेत मिल सकते हैं। प्रिय दोस्तों, यदि घर में मेंढक का आगमन होता है तो समझे कि आपके भीतर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। आपके पहले से ज्यादा साहसी और समझदार होने के संकेत होते हैं। यदि घर में आए हुए मेंढक को आपसे डर महसूस होता है तो इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं और ऐसी परिस्थिति में आपको संयम बनाने की सलाह दी जाती है। ये एक प्रकृति के संदेशवाहक के रूप में होता है, इसलिए किसी न किसी बदलाव का संकेत जरूर होता है। प्रिय दर्शक मित्रों, आपके घर के मुख्य द्वार पर मेंढक का दिखना जीवन के लिए मिले जुले संकेत देता है। कुछ संस्कृतियों में मेंढक को अच्छी सेहत के संकेत के रूप में देखा जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में जीवन में आने वाले परिवर्तनों या फिर नई शुरुआत का संकेत देता है। प्रिय दर्शक मित्रों, यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर मेंढक दिखाई देता है तो ये आपके घर में सुख समृद्धि और प्रचुरता लाता है।
अगर मेंढक आपके घर से बाहर निकलते समय रास्ता काट ले तो समझे कि आपके जीवन में जल्दी ही कोई बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शक मित्रों, घर के किसी ताक या आलबारी के अंदर मेंढक को देखना अक्सर एक संकेत के रूप में देखा जाता है कि आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है या आपके जीवन में होने वाले परिवर्तन के संकेत देता है। और इसी के साथ घर परिवार में वृद्धि, धन में वृद्धि, इसके भी संकेत देता है। घर के भीतर मेंढक का प्रवेश आपके लिए धन का संकेत देता है और ये इस बात का इशारा भी करता है कि बहुत जल्द आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। आपको हर क्षेत्र में धन लाभ मिलने की संभावना होती है। प्रिय दोस्तों, मेंढक का आपके घर में प्रवेश आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको विश्वास रखते हुए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। घर में मेंढक का आगमन आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ाव की ओर इशारा करता है। जबकि आप अपने घर के अंदर एक मेंढक को छलांग लगाते हुए देखते हैं तो ये एक प्रेरणादायक संदेश लेकर आता है। आध्यात्मिक रूप से ये आपको विश्वास की छलांग लगाने की प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित करता है। और इसी के साथ आपको नया काम शुरू करने की प्रेरणा देता है या नए रिश्ते में प्रवेश करने के शुभ संबंध संकेत देता है। प्रिय दर्शक मित्रों, ये तो शास्त्रों की बात है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, लेकिन अब आपको मेंढक से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा प्रिय दर्शक मित्रों। ये प्राचीन समय की बात है। उस जमाने में एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति रहा करता था। उसके घर में कंगाली छाई हुई थी। ए लक्ष्मी का वास उसके घर में था। प्रिय दर्शक मित्रों, वो व्यक्ति बड़ा परेशान था। कहने का तात्पर्य यह है कि वो व्यक्ति दाने दाने को मोहताज था। सुबह खाने को मिल जाए तो शाम को नहीं मिलता था, और यदि शाम को मिल जाए तो सुबह की कोई आशा नहीं थी। इस तरह उस व्यक्ति का जीवन व्यतीत हो रहा था। प्रिय दर्शक मित्रों, वो व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा दुखी था। अपने बच्चों का लालन पालन करना भी उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ गरीब होने पर भी वो व्यक्ति ईश्वर पर बड़ा विश्वास किया करता था। परमपिता परमात्मा को हमेशा याद किया करता था। रोज सुबह शाम श्रद्धा भाव से अपने श्री मुख से ईश्वर का नाम लिया करता था। बस ये उसका नित्य क्रम था। बाद बाकी उसका जीवन गरीबी में व्यतीत हो रहा था, बहुत दुखी था। प्रिय दर्शक मित्रों, लेकिन कहते हैं ना कि जब समय करवट लेता है तो भिखारी भी राजा बन जाते हैं। और एक बात और है दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग कुछ समय के लिए दुखी जरूर होते हैं, लेकिन अंततः ईश्वर उनकी जरूर सुनता है और एक ना एक दिन उनको सुख प्राप्त होता है। प्रिय साथियों, अब इसी तरह गरीबी में उस व्यक्ति का जीवन गुजर रहा था। लेकिन एक बार की बात है, वो व्यक्ति अपने घर में अपनी झोपड़ी में विश्राम कर रहा था। तभी अचानक उसके घर में कुछ मेंढकों की भरमार हो जाती है। पता नहीं कहां से बहुत सारे मेंढक फुदकते हुए छोटे छोटे मेंढक उसके घर में चारों ओर घूमते नजर आए। लेकिन उन मेंढकों को देखकर वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। वो सोचने लगा कि बिना बारिश के आज ये मेंढक मेरे घर में किस तरह प्रवेश कर गए। मेंढक इस मौसम में कहीं देखने को भी नहीं मिलते हैं। दोस्तों, इस बात को आप और हम सभी लोग जानते हैं कि मेंढक बारिश के मौसम में ही देखे जा सकते हैं। लेकिन यदि गर्मी के मौसम में कोई मेंढक को फुदकता हुआ देखना चाहे तो ये बड़ा कठिन होता है। लेकिन उस व्यक्ति के घर में गर्मियों के दिनों में बहुत सारे मेंढक उछल कूद करते हुए उसको दिखाई दिए। प्रिय दर्शक मित्रों, लेकिन वो व्यक्ति मेंढक के इशारे के बारे में कुछ नहीं जानता था। इतने सारे मेंढकों को अपने घर में देखकर वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है और मनी मन ईश्वर को याद करता है।
सोचने लगता है कि परमात्मा तेरी लीला बड़ी निराली है, तू कब क्या कर दे ये कोई नहीं जानता है। इस गर्मी के मौसम में कड़ाके की धूप पड़ रही है, अग्नि जैसी धरती तप रही है, और इस कड़ाके की धूप में इतने सारे मेंढक पता नहीं मेरे घर में कहां से चले आए। प्रिय दर्शक मित्रों, इतना सोचता हुआ वो व्यक्ति आगे और सोचता है कि गर्मी बड़ी तेज पड़ रही है, धरती तप रही है, तो इसी वजह से ये मेंढक उछलते हुए मेरे घर के अंदर आ गए हैं, क्योंकि गर्मी छांव होती है और छांव को देखकर ये मेंढक मेरे घर में प्रवेश कर गए हैं। हो सकता है गर्मी की वजह से इनका बदन जल रहा होगा। यही सोचकर वो व्यक्ति अपने घर के अंदर पानी का छिड़काव कर देता है, चारों तरफ पानी ही पानी कर देता है। प्रिय दर्शक मित्रों, अब जैसे ही वो व्यक्ति अपने घर में पानी का छिड़काव करता है तो सारे मेंढक जमीन में चिपक कर तो सारे मेंढक पानी में आ जाते हैं, जमीन में चिपक कर बैठ जाते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, मेंढक इतने सारे थे कि कोई उसके धन भंडार में घुस गया तो कोई अन्न भंडार में घुस गया, कोई कहाँ पुदक रहा है कोई कहाँ पुदक रहा है। उसके घर में चारों तरफ मेंढक ही मेंढक दिखाई दे रहे थे। उसके बाद वो व्यक्ति घर में पानी छिड़क कर चारपाई पे विश्राम करने लग जाता है। प्रिय दर्शक मित्रों, उधर उस व्यक्ति की पत्नी भी विश्राम करने लग जाती है और उसके बच्चे भी विश्राम करने लग जाते हैं। सभी को गर्मी की वजह से नींद आ जाती है, सभी लोग सो जाते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, लेकिन इसके बाद जब वो लोग सोकर उठते हैं तो उनको उनके घर में एक भी मेंढक दिखाई नहीं देता है, सभी मेंढक वहां से जा चुके थे। वो व्यक्ति और उसकी पत्नी दूर दूर तक जाकर के देखते हैं कि कहीं मेंढक नजर आते हैं या नहीं, लेकिन उनको मेंढक दूर दूर तक नजर नहीं आए। पता नहीं वो मेंढक इतने सारे कहां गए। प्रिय दर्शक मित्रों, लेकिन उसी दिन के बाद उस व्यक्ति के घर में चमत्कार होने लगे। अब धीरे धीरे उस व्यक्ति का कारोबार चलने लगा, धीरे धीरे उस व्यक्ति का नसीब जागने लगा और धीरे धीरे वो व्यक्ति तरक्की पे तरक्की करने लगा। अंततः उस व्यक्ति की गरीबी का नाश हो गया और फिर वो व्यक्ति एक दिन नगर सेठ कहलाने लगा। इतना धनी व्यक्ति हो गया कि वो नगर सेठ कहलाने लगा। प्रिय दर्शक मित्रों, इसके बाद वो व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो जाता है और पैसे वाला होने के बाद वो एक साधु से मिलता है और साधु को अपने जीवन की संपूर्ण घटना सुनाता है। दोस्तों, तब वो साधु उस व्यक्ति से कहता है कि भाई, जब तुम्हें ईश्वर ने इतना कुछ दिया है तो तुम भी ईश्वर के लिए कुछ करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा करो, लेकिन धर्म के नाम पर तुम्हें कुछ करना चाहिए। प्रिय दर्शक मित्रों, तब वो साधु उस व्यक्ति को कहता है कि भाई, तुम एक काम करो, महादेव का मंदिर बनवा दो और उसमें महादेव जो स्थापित करोगे वो मेंढकेश्वर महादेव के नाम से स्थापित करो। प्रिय दर्शक मित्रों, उसके बाद वो व्यक्ति अपने घर को चला आता है और फिर महादेव मंदिर का निर्माण करता है। प्रिय दोस्तों, उसके बाद मंदिर बनके तैयार हो जाता है और उस मंदिर में मेंढकेश्वर महादेव की स्थापना होती है। प्रिय दर्शक मित्रों, वो मंदिर आज भी राजस्थान में मौजूद है। प्रिय दोस्तों, इस मंदिर का नाम मैंगी महादेव जी पड़ा। जयपुर के पास में आंधी गांव और जयपुर के बीच में स्थापित ये मंदिर, जिसमें दूर दराज से चलकर लोग जाते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, इस मंदिर में जाकर जो भी अपनी सच्ची श्रद्धा से ईश्वर से जो मांगता है, महादेव से जो भी अपनी इच्छा मांगता है, उसकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होती है। प्रिय दर्शक मित्रों, इस मंदिर में शिवरात्रि का बहुत विशाल मेला लगता है, जिसमें दूर दराज से चलकर भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रिय दोस्तों, पहले तो मेंढकेश्वर महादेव जी के नाम से इस मंदिर को जाना जाता था और फिर धीरे धीरे जैसे लोगों ने आगे तरक्की की, लोगों ने शिक्षा पाई, वैसे वैसे मेंढकेश्वर महादेव जी का नाम बदलकर मैंगे महादेव जी कर दिया। दोस्तों, ये मंदिर आज भी
मौजूद है। मेंडेश्वर महादेव जी का मंदिर जयपुर के पास में पड़ता है। प्रिय दर्शक मित्रों, आज की कहानियां समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।